ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें, न केवल विकारों से मुक्ति बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियां जो बन चुकी हैं उनसे मुक्ति, ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे, यह ईश्वर से कहेंगे। हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं, आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है, उन सबको बल मिले, अवसर मिले, सभी अपनी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं, सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियां पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं, सारी बीमारियां रोग समाप्त हो जाएं, सारी कमज़ोरियां दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है, सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश हीलिंग लाइट सब पर छा रही है, सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है, सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं। हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें और वे प्रकट हों। हर एक अपनी ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले,
प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है, उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है, उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है, सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे, सभी मिलकर अपने शब्दों में अपनी ताकत से अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें, प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें। जो भी बल आपने प्राप्त किया है ध्यान और प्रार्थना के द्वारा, उसे तपर्पण करें, यानी अर्जित बल अर्जित तप समर्पण करें। विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं।
एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हमारा विश्वास जैसा है वैसी भावना इंसान महसूस करता है, तो इस भावना से जो भी आप निर्माण कर रहे हो अपने जीवन में, अदृश्य नियमों के साथ वह निर्माण हो चुका है, केवल उसे आपके सामने प्रकट होना बाकी है। जब हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है तब हम विश्वास नहीं कर पाते, तब मन यही कहता है पता नहीं ये होगा या ये नहीं होगा। तब कोई आपको कहे विश्वास रखो तब मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान विश्वास की शक्ति को नहीं जानता, ये बात पक्की हो गई। तो आप अपने विश्वास पर काम करेंगे, विश्वास नियम को अपने जीवन में लाएंगे। विश्वास नियम के अनुसार आप जिस परिणाम पर अंतर मन से विश्वास करते हैं वह चमत्कार का रूप तक ले सकता है, ये विश्वास नियम है। चमत्कार का रूप यानी लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए वे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंतर मन ने जब मान लिया तो ये चमत्कार होता है। आप बाहर से एक कहते हो अंदर से कुछ और कहते हो तो ये विश्वास का रूपांतरण नहीं होता, विश्वास का रूपांतरण होना चाहिए। जैसे पानी 100 डिग्री तक गर्म होता है तो बाफ बनता है, उसके पहले नहीं, तब उसमें ऐसी ताकत होती है कि इंजन को चला सकती है, मगर उस रूपांतरण के पहले नहीं। वैसे ही विश्वास जो आपके अंदर है ही, हर एक के अंदर ये विश्वास है। एक इंसान की ब्लड रिपोर्ट आई है और उसमें आया है कि उसे कैंसर हुआ है, मगर हकीकत में क्या है वो रिपोर्ट रिप्लेस हो गई है, किसी और पेशेंट की है, मगर इस इंसान के पास आई है, रिपोर्ट बदल गई है। अब जिस इंसान के साथ ये हुआ है उसकी हालत क्या होने वाली है, उस पर कौन सा प्रभाव होने वाला है, उस पर नोसीबो का प्रभाव होने वाला है, और उसके विचारों में जाकर देखो क्या चलेगा, न सिर्फ उसके विचारों में, उसके घर वालों के विचारों में भी। जहां रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 6 महीना इंसान चलने वाला है, अब कैंसर न होने के बावजूद भी जो कमजोरी आएगी वो क्या सच्चाई है या वह नोसीबो है, यानी जो है नहीं मगर प्रकट हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण मेडिकल फाइल्स में दर्ज हैं। हमारा विश्वास जैसा है वैसी भावना इंसान महसूस करता है। जैसे किसी की लॉटरी लगी है, उसे मालूम नहीं है, उसके मित्र को मालूम पड़ा है, अब वहां से वो फोन करने वाला है, इसे मालूम पड़ने वाला है, मगर उसके पहले दोनों की अवस्थाएं देखो। एक कह रहा है ये पर्सन कितना भाग्यशाली है, इसकी लॉटरी लगी है, अब इसको बताना है, अब इसका फोन नहीं लग रहा है, और यहाँ ये बैठा है कि कब मेरी समस्याएं पैसे को लेकर जो हैं वो सुलझेंगी। घटना हो चुकी है, पैसा आ चुका है, मगर सिर्फ पता नहीं है। जितना समय उसमें लगेगा उतना समय वह इंसान दुखी ही रहेगा, मगर कुछ चीज़ें बन चुकी हैं हमें मालूम नहीं है। तब कोई आपको कहे विश्वास रखो तब मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान विश्वास की शक्ति को नहीं जानता। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।